हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे WNT पाथवे के बारे में, जो कि डेवलपमेंट बायोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे है। बेसिकली अर्ली डेवलपमेंट में हम तीन सिग्नलिंग पाथवे पढ़ेंगे, एक WNT सिग्नलिंग पाथवे, हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे एंड डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे है, इसको हम सेलिगेंस में पढ़ेंगे, और जो WNT एंड हेजॉग है ये ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। WNT सिग्नलिंग पाथवे का जो नाम है WNT, एक्चुअली ये एक प्रोटीन है, और ये जो नाम है ये डिराइव्ड किया गया है ड्रोसोफिला एंड माइस से। ड्रोसोफिला में एक जीन है विंगलेस जीन से W लिया गया है, और माइस में एक जीन है INT1, उससे INT लिया गया, उसके इन दोनों से को रिलेट करके इसका नाम रखा गया WNT सिग्नलिंग पाथवे। अच्छा, ये जो सिग्नलिंग पाथवे है ये एक्चुअली होती क्यों है, क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक्सिस फॉर्मेशन या सेगमेंट पोलैरिटी। जो सेगमेंट पोलैरिटी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं या एक्सिस फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एक्टिवेट करता है WNT सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू रेगुलेट होते हैं या WNT प्रोटीन रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो WNT सिग्नलिंग पाथवे है ये आइदर यूज अ सेल कम्युनिकेशन एज अ पैराक्राइन या ऑटोक्राइन, दोनों प्रकार से सिग्नलिंग करते हैं। अच्छा, तीन टाइप की WNT सिग्नलिंग पाथवे होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक करेक्टराइज्ड है। एक है कैनोनिकल WNT पाथवे और दूसरी है नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल का मतलब है कि कैनोनिकल पाथवे का मतलब है कि इसमें बीटा कैटेनिन एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, उसका उसके थ्रू रेगुलेशन होगी, यानी उसका क्या होगा, उसका स्टेबलाइजेशन होगा। लेकिन जो नॉन कैनोनिकल पाथवे हैं उसमें बीटा कैटेनिन का रोल नहीं होगा। ये डिफरेंस है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे का। तो जो नॉन कैनोनिकल पाथवे है दो प्रकार के हैं, एक सेल पोलैरिटी पाथवे की मतलब साइटोस्केलेटन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम पाथवे यानी कैल्शियम रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, कि ऑल थ्री पाथवे आर एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ WNT पाथवे। WNT क्या है, लाइगेंड है, लाइगेंड के द्वारा ही तीनों पाथवे रेगुलेट होंगे, टू अ फ्रिजल्ड फैमिली रिसेप्टर, और जो इनका रिसेप्टर है वो फ्रिजल्ड फैमिली का है, यानी FZ इसको बोलते हैं, FZ फ्रिजल फैमिली रिसेप्टर, विच पचेज द बायोलॉजिकल सिग्नल टू डिसेबल्ड प्रोटीन इन साइड द सेल। जो क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं किसको, डिसेबल्ड प्रोटीन को, DSS बोलते हैं इसको, ये भी एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा साइटोसोलिक प्रोटीन है। तो जो कैनोनिकल WNT पाथवे है ये क्या करती है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है, और इसको निगेटिव रेगुलेट होती है SPARS1 जीन से। नेक्स्ट जो नॉन कैनोनिकल प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे है ये रेगुलेट करता है किसको, साइटोस्केलेटन के लिए, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल शेप के लिए। एंड जो नॉन कैनोनिकल WNT कैल्शियम पाथवे ये रेगुलेट करती है कैल्शियम को इनसाइड सेल, यानी अर्ली डेवलपमेंट में, ध्यान रखिएगा कैल्शियम रेगुलेशन GPCR भी करता है, GPCR करता है, लेकिन वो कहाँ पर करता है, जो सेल्स टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ पे, या आइस रेटिनॉइड। ठीक है, तो जो WNT सेल सिग्नलिंग है ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक्सिस पैटर्निंग में, सेल फेड प्रोलिफरेशन या सेल प्रोलिफरेशन या सेल माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोसेस या ये सिग्नलिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या होती है WNT सिग्नलिंग पाथवे। यहाँ पर एक चीज़ फिर से समझ लीजिए कि WNT सिग्नलिंग पाथवे का जो लाइगेंड होता है, जो लाइगेंड है वो WNT है, और जिसका रिसेप्टर है जिसके साथ ये बाइंड करेगा वो है फ्रिजल रिसेप्टर यानी FZ, उसको क्या बोलते हैं, FZ रिसेप्टर। और जो कैनोनिकल WNT पाथवे है, कैनोनिकल WNT पाथवे ये बेसिकली क्या करती है, जैसे लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ ये डिसेबल प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, और एक साइटोसोलिक प्रोटीन होती है बीटा कैटेनिन, इसको स्टेबलाइज करेगा, मेन रोल बीटा कैटेनिन का है। जो कैनोनिकल पाथवे है उसमें बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन होता है, इसी यही बीटा कैटेनिन
उन जीन की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो सेगमेंट पोलैरिटी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, एक्सिस पैटर्न फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन जीन को ये एक्टिवेट करेगी। अब होगा क्या, अब समझिए, तो जो डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग बैंक, व्हेन डब्ल्यू एन टी प्रोटीन बाइंड टू एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टीन रिच डोमेन ऑफ फ्रिजल फैमिली रिसेप्टर, तो ये फ्रिजल फैमिली ये रिसेप्टर है और इसमें सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन है, एक दो तीन चार, ठीक है, ये सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, सेवन ट्रांस, इसी में डब्ल्यू एन टी बाइंड करेगा कहाँ पे, जहाँ पे सिस्टीन रिच डोमेन होगा, ध्यान देंगे सी आर डी इसको बोलते हैं, सिस्टीन रिच डोमेन होगा वहाँ पे डब्ल्यू एन टी बाइंड करेगा। अगर डब्ल्यू एन टी नहीं है तब क्या होगा, यहाँ पर समझेंगे, इस क्वेश्चन आता है, अगर डब्ल्यू एन टी नहीं है तब समझेंगे, यहाँ पे अगर डब्ल्यू एन टी नहीं है, जब डब्ल्यू एन टी नहीं है तो फ्रिजल रिसेप्टर के साथ डब्ल्यू एन टी जब नहीं बाइंड होगा, जब डब्ल्यू एन टी नहीं बाइंड होगा तो होगा क्या, जो साइटोसोलिक कुछ काइनेसेस हैं जिसमें जी एस के थ्री और सी के वन, ये एक्जिन के साथ मिल के एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, डी सी डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये जाके बीटा कैटेनिन के साथ बाइंड कर देते हैं। तो जी एस के थ्री और सी के वन क्या करता है, बीटा कैटेनिन को फास्फोरिलेट करता है, तो फास्फोरिलेटेड बीटा कैटेनिन को फास्फोरिलेटेड बीटा कैटेनिन के साथ एक्जिन जी एस के थ्री सी के वन और ए पी सी ये सारे सेगमेंट बाइंड करके एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और बीटा कैटेनिन का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। सेल के अंदर किसी भी प्रोटीन का अगर डिग्रेडेशन होना है तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूबीक्विटाइनेशन, और यूबीक्विटाइनेशन के लिए एक प्रोटीन्स है जिसको बोलते हैं यूबीक्विटिन, यूबीक्विटिन ई थ्री लाइगेस, यूबीक्विटिन ई थ्री लाइगेस क्या करती है, इस बीटा कैटेनिन का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कर देती है, जिससे जो डब्ल्यू एन टी टारगेट जीन है उनका एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी जो सेगमेंट पोलैरिटी के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन लेकिन जब डब्ल्यू एन टी होगा तब क्या होगा, डब्ल्यू एन टी जैसे ही आएगा, डब्ल्यू एन टी जैसे ही आएगा यह फ्रिजल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फ्रिजल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो फ्रिजल रिसेप्टर क्या करेगा, डिसेबल्ड प्रोटीन को रिक्रूट करेगा, डिसेबल्ड प्रोटीन को रिक्रूट करेगा। इसी के साथ में जो एक को एक्टिवेटर रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं एलआरपी, एलआरपी क्या करेगा, एक्जिन को एंड जीएसके थ्री को रिक्रूट्स करेगा, जिसके कारण जो बीटा कैटेनिन है ये साइटोसोल में फ्री हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और बीटा कैटेनिन की कंसंट्रेशन या मात्रा साइटोसोल में बढ़ जाएगी। जैसे साइटोसोल में बीटा कैटेनिन की मात्रा बढ़ेगी तो बीटा कैटेनिन कहाँ जाएगा, बीटा कैटेनिन चला जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में टीसीएफ या एलईएफ के साथ बाइंड करके उन जीन को एक्टिवेट कर देगा जो जीन सेगमेंट पोलैरिटी के लिए या एक्सिस फॉर्मेशन के लिए या सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वायरमेंट या उनकी इम्पोर्टेंस है, उन जीन को एक्टिवेट कर देगा। साइटोसोल जो न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन्स और भी होती हैं, ग्रोचो ये ग्रो प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये भी बीटा कैटेनिन को निगेटिव रेगुलेट करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कि जब डब्ल्यू एन टी नहीं होगा तब बीटा कैटेनिन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बीटा कैटेनिन ही मेन साइटोसोलिक प्रोटीन है, तो जब डब्ल्यू एन टी नहीं होगा तो बीटा कैटेनिन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे डब्ल्यू एन टी रिसेप्टर के पास पहुँचेगा तो क्या होगा, बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो कैनोनिकल डब्ल्यू एन टी पाथवे है इसका मेन फंक्शन है बीटा कैटेनिन को स्टेबलाइज करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नॉन कैनोनिकल सेल पोलैरिटी पाथवे, यानी सीपीपी, ठीक है, सेल पोलैरिटी पाथवे या प्लेनर्स सेल पोलैरिटी पाथवे कहते हैं, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है साइटोस्केलेटन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जो तीन के तीनों जो सिग्नलिंग डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग पाथवे तीनों से क्वेश्चन आया, बीटा कैटेनिन से भी आया यानी कैनोनिकल पाथवे से डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग पाथवे से, और नॉन कैनोनिकल डब्ल्यू एन टी पाथवे से भी आया। तो जो नॉन कैनोनिकल प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे है इसमें क्या होता है, इसमें बीटा कैटेनिन का रोल नहीं होता, ध्यान रखिएगा जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है इसका रोल इसमें नहीं होता, लेकिन रिसेप्टर तीनों में सेम रहेंगे, फ्रिजल रहेंगे, यानी जो डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग पाथवे हो रही है तो उसका रिसेप्टर क्या है, फ्रिजल रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा FSZ, क्योंकि रिसेप्टर्स भी डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। तो जैसे डब्ल्यू एन टी आकर फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड करेगा,
ये रिक्रूट्स करेगा डिसेबल प्रोटीन को, और डिसेबल प्रोटीन एक अनदर प्रोटीन्स को रिक्रूट्स करेगी जिसका नाम है जी प्रोटीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी प्रोटीन का नॉन कैनोनिकल पाथवे में बीटा कैटनिन नहीं रिक्रूटमेंट हो रही, उसकी जगह क्या है जी प्रोटीन्स का रोल है। जैसे जी प्रोटीन रिक्रूट्स होगी, ये डिसेबल प्रोटीन ये एक्टिवेट कर देंगे एक डैम प्रोटीन को, डिसेबल्ड, इसका नाम है डिसेबल्ड एसोसिएटेड एक्टिवेटेड मार्फोजेनेसिस वन। डैम प्रोटीन एक्टिवेट करेगी रो प्रोटीन को, रो जीटीपीएस, रो एक्टिवेट करेगा रॉक को, और रॉक ही मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है सेल शेप पोलैरिटी के लिए, और ये रॉक एक्टिवेट करेगा किसको, एक्टिन पॉलीमराइजेशन के लिए, और एक्टिन पॉलीमराइजेशन क्या है, साइटोस्केलेटन की प्रोटीन है। यही प्रोसेस आई हुई थी, एक क्वेश्चन में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा डैम रो एंड रॉक ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, साइटो स्केलेटन के लिए। जो थर्ड WNT पाथवे है उसको बोलते हैं नॉन कैनोनिकल WNT कैल्शियम पाथवे, यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो कैल्शियम का रेगुलेशन होगा वो भी WNT ही करेगी। ध्यान रखिएगा WNT ही कैल्शियम को रेगुलेट करती है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे WNT बाइंड करेगा फ्रेजल रिसेप्टर से, डिसेबल प्रोटीन रिक्रूट्स होगी, जी प्रोटीन आएगी, और जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगी PLC फास्फोलाइपेज सी, ये जो फास्फोलिपिड्स है PIP2 इसको ब्रेक डाउन कर देगा IP3 एंड डैग में। IP3 एंड डैग क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मैसेंजर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। IP3 साइटोसोल में डिफ्यूज होकर पहुँचेगा कहाँ, ER के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चैनल होते हैं जिनको बोलते हैं IP3 गेटेड चैनल। IP3 गेटेड चैनल क्या करेंगे, कैल्शियम को रिलीज कर देंगे साइटोसोल में। जैसे ही कैल्शियम का साइटोसोल में रिलीज होगा, साइटोसोल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये क्या करेंगे, कैल्सिन्यूरिन नामक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे, कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट हो जाएगी। कैल्सिन्यूरिन एक फास्फेटेज एंजाइम है जो क्या करेगी, NF80 को डिफास्फोरिलेट कर देगी। NF80 को क्या करेगी, डिसफास्फोरिलेट कर देगी। कैल्सिन्यूरिन NF80 को और NF80 क्या है, ये कैल्सिन्यूरिन न्यूक्लियर फैक्टर है, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटर ऑफ टी सेल, ठीक है। NFT पहुंच जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में, और यहाँ पे कैल्शियम का रेगुलेशन होगा, मतलब उस जीन को जो जीन्स कैल्शियम के प्रेजेंस में रेगुलेट होना होगा, जिस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दैट्स, ये तीनों प्रोसेस हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें कि एक में बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन होता था जो कैनोनिकल पाथवे थी, ध्यान रखिएगा फिर से ध्यान पढ़ लीजिए एक बार, जो कैनोनिकल पाथ, जो WNT पाथवे है, WNT सिग्नलिंग पाथवे है, इसमें एक है कैनोनिकल WNT में क्या होता है, बीटा कैटेनिन का रोल, बीटा कैटेनिन का स्टेबलाइजेशन होता है। बीटा कैटेनिन क्या, एक साइटोसोलिक प्रोटीन है जो 90 KD की होती है, इसके डुअल फंक्शन होते हैं, ये सेल सेल एडहेसेंस का भी काम करती है और जीन रेगुलेशन का भी काम करती है, जीन रेगुलेशन। जो नॉन कैनोनिकल WNT पाथवे हैं, ये साइटोस्केलेटन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइटोस्केलेटन के लिए यानी सेल शेप के लिए, सेल पोलैरिटी के लिए, एंड दूसरा है WNT नॉन कैनोनिकल WNT कैल्शियम रेगुलेशन के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस है। दैट्स इट। नॉन कैनोनिकल प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे है जिसमें बीटा कैटेनिन डज नॉट इन्वॉल्व बीटा कैटेनिन, और ये डज नॉट यूज LRP को रिसेप्टर। यहाँ पे जो नॉन कैनोनिकल पाथवे है ये LRP को रिसेप्टर को नहीं यूज करती, उसके जगह में अनदर यूज करती है NRH1 RYK PTK, ठीक है। जो प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे है यानी नॉन कैनोनिकल पोलैरिटी पाथवे है, ये एक्टिवेटेड होती है वाया WNT जो मैंने आपको बताया है, एंड एक्टिवेट को रिसेप्टर, देन रिक्रूट्स डिसेबल्ड प्रोटीन में PDZ एंड DIX के डोमेन होते हैं जो फॉर्म करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं डिसेबल प्रोटीन और डैम के साथ। फिर डैम क्या करता है, रो को एक्टिवेट करता है, रो के बाद रॉक एक्टिवेट होता है, और रॉक क्या करता है, एक्टिन या प्रोफिलिन को पॉलीमराइज करता है जो कि साइटोस्केलेटन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन कैनोनिकल WNT सिग्नलिंग पाथवे, जो मैंने आपको बताया कि जैसे WNT आएगा फ्रेजल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा,
ये रिक्रूट्स करेगा डिसहेबल्ड प्रोटीन को, और डिसहेबल्ड प्रोटीन के साथ कौन बाइंड करेगी, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन फिर क्या करेगी, पी एल सी, फास्फोलाइपेज सी एक एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करेगी। ये फास्फोलिपिड पी आई पी टू को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा किसमें, आई पी थ्री में एंड डैग में। ये दो को दोनों क्या हैं, सेकेंडरी मैसेंजर इनको बोलते हैं। आई पी थ्री जाएगा साइटोसोलिंग में डिफ्यूज होकर पहुँचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, इसके यहाँ पे कैल्शियम स्टोर है, तो कैल्शियम में जो आई पी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आई पी थ्री गेटेड चैनल है, आई पी थ्री गेटेड चैनल है, इससे एक्टिवेट करेगा और यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करेगा। ये कैल्शियम कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैल्सीन्यूरिन को, कैल्सीन्यूरिन को एक्टिवेट करेंगे या उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। और कैल्सीन्यूरिन क्या करेगा, कैल्सीन्यूरिन एन एफ ए टी को डिफास्फेट करेंगे और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, सेल के अंदर, और जीन को एक्टिवेट कर देगा। तो जो कैल्शियम का रेगुलेशन होगा वो नॉन कैनोनिकल डब्ल्यू एन टी कैल्शियम पाथवे के थ्रू होता है, इसमें भी बीटा कैटिन का रोल नहीं होता। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो सी एस आई आर में आए हुए हैं। बेसिकली मैंने दो ही या तीन क्वेश्चन लिए हैं, इसके अलावा भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रासो मार्फोलैक्टिक रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, किसी भी बॉडी पार्ट का भाग कट जाना फिर से उसका रीजनरेशन बन जाना, जैसे हेमिडेक्टाइल्स यानी छिपकली में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमंस में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो मार्फोलैक्टिक रीजनरेशन एंड इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन एक्सिस फॉर्मेशन में कौन सा होता है। जो मार्फोलैक्टिक रीजनरेशन क्या होता है, जो मार्फोलैक्टिक रीजनरेशन का मतलब होता है मार्फोलैक्टिक जी रीजनरेशन, और किसमें, हाइड्रा, मान लीजिए हाइड्रा है कोई, ठीक है ये हाइड्रा है, इसका ये भाग कट कर दिया लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसी से फिर से इंटायर बॉडी बन जाए, उसी से ही फिर से इंटायर बॉडी बन जाए, तो इस प्रकार का जो रीजनरेशन होता है उसको बोलते हैं मार्फोलैक्टिक रीजनरेशन। और इसके लिए जो एक्सिस फॉर्मेशन, इसके लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यू एन टी बीटा कैटिन पाथवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जैसा कि कैल्शियम से आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नेवर एक्टिवेट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फॉर सिक्वेस्टिंग कैल्शियम रिलीज, मतलब इनमें कौन सी, इसमें कौन सी सिग्नलिंग है जो जी कैल्शियम रेगुलेशन के लिए, कैल्शियम को रिलीज कराने के लिए जी पी सी आर का यूज नहीं करते, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का नहीं यूज करते, तो कौन सा नहीं करते, एक्टिवेशन ऑफ फ्रिजल्ड बाई डब्ल्यू एन टी, बाकी रेस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, जितने भी सिग्नलिंग पढ़ेंगे आप उसके लाइगेंड को बहुत अच्छे समझ लीजिए, और लाइगेंड के साथ वो लाइगेंड जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि रिसेप्टर से भी सीधे सीधे प्रोटीन, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है मैचिंग वाला, जैसे कि हेजॉग, हेजॉग है, हेजॉग का रिसेप्टर क्या है, पैच्ड रिसेप्टर, पैच रिसेप्टर, डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग का पाथ रिसेप्टर क्या है, फ्रिजल रिसेप्टर, फ्रिजल रिसेप्टर, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट है एफ जी एफ यानी फिब्रो ब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसका रिसेप्टर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, हेजॉग का जो रिसेप्टर है पैच रिसेप्टर, और डब्ल्यू एन टी का आपने पढ़ा है फ्रिजल रिसेप्टर, इसका होगा पहले का सी, दूसरे का ए और थर्ड का बी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही। तो रिसेप्टर जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, किस रिसेप्टर, जो भी सिग्नलिंग पाथवे उनके रिसेप्टर क्या नाम है और उसके लाइगेंड, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग पाथवे, थैंक यू।